नमस्कार दोस्तों, बी आर एस शो में आपका स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस कुर्सी पे क्यों बैठा हूँ, तो ऐसा है कि आज मैं आपके लिए एक 1 BHK फुली फर्निश्ड फ्लैट लेके आया हूँ, बहुत कम रेंज में, बहुत कम पैसों में, बहुत सारे फीचर्स के साथ में। यहाँ पे आपको AC, फ्रिज, मॉड्यूलर किचन, अलमीरा, बेड, गद्दे, 1 BHK, बालकनी, सब कुछ मिलने वाला है बहुत कम रेट पे। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से मात्र 300 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर की दूरी पे मैं फ्लैट सारे ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ई रिक्शा ना लाना पड़े वहाँ जाने के लिए, बशर्ते आपको ई रिक्शा मिल जाएगा यहाँ से बाहर निकलते ही। लेकिन 300 मीटर की दूरी पे द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से, स्टूडेंट हैं आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इस तरह की लोकेशन पे आपको फुली फर्निश्ड फ्लैट चाहिए होता है जिसके अंदर आपको सारा सामान लगा हुआ मिले, तो यहाँ पे आपको सारा सामान लग के मिलने वाला है। अब चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ, और फ्लैट देखने से पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लीजिए, आधा फ्लैट तो आपको उसी में दिख जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 3.5 फुट चौड़े जीने से आप एंटर करने वाले हैं अपने फ्लोर में। आ जाइए फटाफट से, आपको दिखाता हूँ मैं आपका फ्लैट। तो भाई दोस्तों ये होने वाला है हमारा फ्लैट, देख रहे होगे आप कितने बड़े से लिविंग हॉल के अंदर आपने एंटर करा है। 1 BHK फ्लैट है, बहुत ही बढ़िया फ्लैट है, इंडिपेंडेंट फ्लैट है। आपने देखा होगा स्टेयरकेस की, अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं तो स्टेयरकेस जो है आपका, यहां से आप डायरेक्टली अपने फ्लैट के अंदर ही दाखिल होंगे। एक फ्लोर पे सिंगल यूनिट बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है ये। अब बात करते हैं फ्लैट की ओरिएंटेशन की या फिर फ्लैट के फ्लोर प्लान की। तो भाई फ्लैट का प्लान कुछ इस तरह से है, ये आपका हॉल होने वाला है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये आपको मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है। मॉड्यूलर कह सकते हैं इसे, सेमी मॉड्यूलर कह सकते हैं क्योंकि इसमें चिमनी नहीं है, बट बाकी सारी फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अलमीरा की बात करते हैं तो वी हैव अलमीरा, ये रही, वी हैव एन अलमीरा, एन ओके, हमारे पास एक अलमीरा है। इस अलमीरा के अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, जो जो आपको रखना है आप रख सकते हैं। अलमीरा के बाद इस तरफ देखते हैं मेरे, तो ये हमारी शाफ्ट होने वाली है। इस शाफ्ट के अंदर आप अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। इधर की तरफ आपका एक कॉमन वॉशरूम होने वाला है, कॉमन भी कह सकते हैं उसे क्योंकि दिस इज़ दी ओनली वॉशरूम। और इस तरफ आपका बेडरूम होने वाला है। कहने को तो ये फ्लैट यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स के साथ ये वाला फ्लैट दिखा देता हूँ, ताकि आपको मन में ये ना रह जाए कि अरे इसमें ये वाली फीचर था कि नहीं था, क्या था, कैसे था। तो भाई देखो, ये होने वाला है अपना जाली वाले दरवाज़ा, क्योंकि सबको दो दरवाजे चाहिए होते हैं। इस दरवाजे से हवा अंदर आएगी, मच्छर अंदर नहीं आएंगे, जाली लगी हुई है, लोहे का दरवाज़ा है, लॉक इसके अंदर आपका लगा हुआ है, सेंट्रल लॉक, आप लगा के अपने फ्लैट से निकल सकते हैं। दूसरे दरवाजे की बात करते हैं तो ये रहा हमारा दूसरा दरवाज़ा, दिस इज़ योर प्लाईवुड डोर, बहुत ही हैवी सा है, हैवी वाई बार ही है पूरी, चिटकनी लगी हुई है इनको, आप अपना चिटकनी वटकनी लगा के बंद कर देना, लॉक करना हो। यहाँ पे हमारे पास एल ड्रॉप है, ये हो गया हमारा दरवाज़ा। एंट्री के ऊपर ही सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वी हैव अ वेंटिलेशन का ऑप्शन यहाँ पे, तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप चाहें तो ये खिड़कियाँ खोल सकते हैं, आपका जो हॉल है पूरा का पूरा वेंटिलेटेड रहेगा। अब आते हैं भाई फ्लोर की तरफ। तो भाई अगर फ्लोर की तरफ आप देखते हो तो इस फ्लोर की जो चौड़ाई होने वाली है वो होने वाली है 14x10, 14x10 फुट के साइज में आपको ये आपका लिविंग एरिया मिल रहा है, जिसको आप लिविंग एरिया कंसिडर करेंगे अपार्ट फ्रॉम योर किचन एंड योर शाफ्ट एरिया एंड दिस वॉशरूम एरिया, सब कुछ हटाने के बाद में जो आपको सूखा सूखा एरिया मिल रहा है वो मिल रहा है 14x10 फुट का। अब इस 14x10 फुट के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, और डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स ऑन ग्राउंड। ऊपर की तरफ आप देखोगे बहुत ही सटल और लाइट कलर में पेंटेड एक बढ़िया सा डिज़ाइन बना रखा है, मेरे को बहुत ज़्यादा चटक भटक कलर नहीं पसंद है तो मेरे को लाइट कलर अच्छा लगा। इस तरफ आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये आपकी अलमीरा पूरा का पूरा स्टोरेज होने वाला है। स्टोरेज से पहले आपको ये बढ़िया सी चीज़ दिखा दूँ, इससे आप नीचे खड़े बंदे से बात कर सकते हैं और नीचे जाए बिना यहाँ से गेट खोल सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स दे रखे हैं फैन एंड ऑल को ऑपरेट करने के लिए। अब मैं इस अलमीरा को खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कितनी गहराई और कितना स्टोरेज मिलने वाला है। तो भाई देखो भरपूर स्टोरेज है यहाँ पे, जो आप ऊपर अपने कपड़े टांगते हो ये देखो कितने सारे आपके कपड़े बड़े आराम से आ जाएंगे।
मेरे को इस तरह का ऑप्शन चाहिए होता है क्योंकि पार्टीशन जिसके अंदर होता है उसके अंदर ज़्यादा कपड़े नहीं आ पाते हैं। नीचे आपको लॉक करने के लिए ये वाले दराजे मिल रही हैं, नीचे का एरिया मिल रहा है और इसी के साथ में ऊपर भी हमें यहाँ पे एम्पल अमाउंट में स्टोरेज मिल रहा है, बहुत सारा स्टोरेज, खूब सारा सामान रखना है इसके अंदर, सारा सामान आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे चेयर्स की बात करते हैं तो देखो एक चेयर तो इसके अंदर मिल ही रही है इस वाले फ्लैट के अंदर जिसके ऊपर हमने बैठ के ओपनिंग करी थी, बाकी और चेयर चाहोगे तो और भी मिल जाएंगी। ओनर कहता है कि अगर किसी को सोफ़ा चाहिए हो तो मैं सोफ़ा भी लगा के दे दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते रेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। भाई जितना सामान लगेगा उतना रेंट थोड़ा 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 बढ़ता रहता है। फ्रिज की बात करते हैं तो भाई फ्रिज दे रखा है का मतलब ये नहीं कि बस दे दिया है कूलिंग नहीं करेगा, वैसा वाला फ्रिज नहीं है। एक बार फ्रिज की कंडीशन देखो, फिलहाल हम इसमें अपनी चाबियां ठंडी कर रहे हैं बट एकदम साफ क्लीन कंडीशन में साफ सुथरा बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रिज आपको मिल रहा है यूज़ करने के लिए। रेंटिंग की प्रॉपर्टी में इस तरह का हमने देखा है भाई, सामान इस तरह का नहीं मिलता है यहाँ पे, आपको मिल रहा है पुरानी वीडियोज़ में आपने देखा होगा इस तरह का फ्रिज नहीं मिलते थे। चले थोड़ा सा आगे आइए और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको मिलने वाला है 8x7 फुट के साइज़ में बढ़िया सा बड़ा स्पेशियस किचन जिसके अंदर आप कुकिंग एरिया अपना इस साइड बना सकते हैं या इस साइड बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, वो आपकी मर्ज़ी है। IGL की यहाँ पे गैस पाइपलाइन है, अगर आप चाहें तो कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग एरिया की बात करते हैं तो सेपरेट वॉशिंग एरिया हमें इस तरफ मिल रहा है और यहाँ पे आप जब अपने बर्तन धो के रखोगे तो उनका पानी सीधा अंदर चला जाएगा, कितनी सही चीज़ रहती है, वरना पूरे में पानी पानी हो जाता है, पानी पानी। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे हमारे पास स्टोरेज ऑप्शंस हैं, मॉड्यूलर जिसे कहते हैं भाई, यहाँ पे पूरा स्लाइडर आपको कैबिनेट मिल रहे हैं बास्केट, तो इसके अंदर आप अपना सामान रखना, स्लाइड करके वापस उन्हें अपने कटलरीज को क्रॉकरीज को डाल देना अंदर। ये हमारे को ओवरहेड कैबिनेट मिल रहा है स्टोरेज के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका भी आप साइज़ देख लो, ये वाला ग्रीन कलर और वो वाला ग्रीन कलर, मतलब ये दोनों सेम सनमाइका के साथ बनाए गए थे। अब आप कह रहे होगे और क्या बच रहा है इसके अंदर, भाई लाइटें हो गई, पंखे हो गए, सब कुछ हो गया, अलमीरा हो गई, फ्रिज हो गया, अब कहाँ जाएंगे हम हमारे, अब आप कहोगे मैं अपनी वॉशिंग मशीन कहाँ लगाऊँ, तो भाई वॉशिंग मशीन लगाने के लिए ये बहुत बढ़िया हमारे पास एरिया दे रखा है। इसके अंदर आपकी सेमी होगी तो इस तरह से लगा देना और फुल होगी तो फुल ऑटोमेटिक अगर लगानी है तो आप इस तरह के स्क्वायर स्पेस में उसको लगा सकते हो। पानी निकलने के लिए निकास बना रखा है यहाँ पे, जाली लगी हुई है। वाटर स्टोरेज का ऑप्शन ये रहा, स्टोरेज का नहीं सॉरी वाटर कनेक्शन का पॉइंट ये रहा, एक टैप मिल रहा है आपको और अब उसमें हैवी सॉकेट चाहिए होता है 16 एम्पेयर का, तो 16 एम्पेयर का सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो शाफ्ट है ये वेंटिलेशन के लिए, जो आपकी किचन की वेंटिलेशन और जो वॉशरूम की वेंटिलेशन के लिए जो शाफ्ट होती है, दैट इज़ अवर शाफ्ट एरिया, तो एक्चुअली में ये एरिया आप इसको बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ, तो भाई वॉशरूम के अंदर एंटर करते ही बढ़िया वाइब आने वाली है, साफ सुथरा वॉशरूम मिलने वाला है, 5x5 के साइज़ में है, 5 फुट ऐसे और 5 फुट ऐसे, 5x5 का साइज मिल रहा है, जिसके अंदर आपको सबसे मेरे ऊपर आप देख रहे होगे शावर मिल रहा है, नहाने के लिए बढ़िया शावर हो गया, ठीक है। क्लीननेस की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, वाइट कलर का वेस्टर्न कमोड, वाइट कलर का वॉश बेसिन जिसका साइज बहुत अच्छा है, सामने आपको एक शीशा लगा लगाया मिल रहा है और वॉल टू वॉल टाइल्स हैं ऊपर तक मेरे, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टाइल्स हैं, हाइलाइटर बहुत प्यारे कलर का है, लाइट कलर में टाइल्स हैं तो वॉशरूम का साइज और ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और वेंटिलेशन के लिए हमारे पास ये वाली खिड़की है और पानी गर्म करने के लिए, वैसे तो अब गर्मियाँ आ गई हैं बट स्टिल अगर आपको गर्म पानी से नहाना है, ये हमारे पास एक छोटा सा सनफ्लेम का गीज़र लगा हुआ है, ब्रांडेड गीज़र, बढ़िया रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर। अब यहाँ से वॉशरूम से आप निकलेंगे, अब कहेंगे मैंने कपड़े पहन लिए, मेरे को वॉशरूम क्या 5x5 बताया नहीं सर, बड़ा बड़ा वहाँ बोल दिया डन है। तो हो गया हमारा वॉशरूम भाई यहाँ पे कंप्लीट, अब आ जाते हैं अपने बेडरूम की ओर। ये होने वाला है हमारा बड़ा बढ़िया ग्रैंड साइज़ में 10x10 फुट के साइज़ में आपको बेडरूम मिल रहा है आपका, जिसके अंदर आपको अगेन फ्लोर पे टाइल्स, लाइट ब्लू कलर में पेंटेड वॉल्स और ऊपर की तरफ एक सटल सा डिज़ाइन और फैन इंस्टॉल्ड मिल रहा है, ठीक है जी। अब नीचे बेड की बात करते हैं तो मैट्रेस आप देख रहे हो भाई, नए नए गद्दे लगाए गए हैं, अभी पन्नी भी नहीं उतरी है इनकी, पन्नी पॉलिथिन कुछ भी नहीं उतरा है इसका, पैकेजिंग नहीं उतरी है अभी और थोड़ा सा फट गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको स्टोरेज वाले बॉक्स मिल रहे हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो,
इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी सारी स्टोरेज होने के बाद, मुझे नहीं लगता स्टोरेज की आप कंप्लेंट कर पाओगे। इस वाले बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन की बात करते हैं, तो अभी ये जो आप पर्दे देख रहे हो ना, जो आपको लगे लगाए मिल रहे हैं, अभी मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से नज़ारा बदलने वाला है इस रूम का। भाई देखो, सुबह सुबह जब होती है तो एकदम अच्छी अच्छी आपको सनलाइट अगर चाहिए, नेचुरल लाइट चाहिए अपने कमरे के अंदर, गर्मियों के अंदर हवा, नेचुरल हवा चाहिए, कूलर वूलर लगाना है, यहाँ पे सब कुछ लगा सकते हो आप। कैसे लगा सकते हो, देखो ये वाला जो कटआउट साइज है और ये वाला जो कटआउट का साइज है, इस कटआउट साइज के अंदर आपका विंडो एसी बड़े आराम से लग जाएगा अगर एसी लगाना हो तो। नीचे की तरफ आपको जो विंडोज मिल रही हैं, इसमें नेट भी है और पीछे की तरफ ग्लास भी है, तो आप उन दोनों को ओपन करके यहाँ पे कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी समस्या के, या फिर नेचुरल हवा के लिए भी। ये विंडो ऑप्शंस देखो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ पल्ले हो गए आपके, 4 विंडो 8 पल्ले और साथ में ये वाले 2 ऑप्शन अलग। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा जो डोर है इसको हम ओपन करेंगे तो हम अपनी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डबल डोर मिल रहे हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वाला एसएस के अंदर डोर है। आज ही आपको बालकनी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये होने वाली हमारी बालकनी, जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो 18 फुट लंबी और 2.5 फुट चौड़ी बालकनी होने वाली है। यहाँ पे आपको एसी कूलर जो लगाना है लगा सकते हो। ओनर ने वैसे भी इसके अंदर एसी आपको लगा के ही देना है, तो आपको अगर एसी की कमी लग रही थी इस फ्लैट के अंदर तो भाई एसी आपको लग के मिलेगा। थक गया थोड़ा सा मैं, गर्मियाँ आ गई हैं, वैसे भी पेट निकला हुआ है, सांस फूल जाती है बोलते बोलते, आशीष नहीं हूँ मैं तो मेरी भाई सांस फूलती है। तो ऐसा है जी, ये था हमारा आज का फ्लैट, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस फ्लैट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या फिर कोई भी सवाल आपके मन में रह गया है, ये लिखा हुआ फ्लैट कोड, इस फ्लैट को नोट डाउन करके आप हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, फ्लैट हो गया, घर हो गया, मकान दुकान, जिसे आप बेचना, रेंट आउट या लीज आउट कराना चाहते हैं, कोई भी काम हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, सी यू, बाय बाय।